लाल की जय। वो हैं वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र नभग। ये नभग भी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। इनकी कई संतान थी नभग जी की। उनमें उनके एक पुत्र का नाम था नाभाग। नभग के पुत्र होने से उनका नाम नाभाग हुआ। वेदों के बड़े विद्वान थे नाभाग जी। अध्ययन में मन लग गया, इसलिए अधिक समय तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ही उन्होंने षडंग वेद का स्वाध्याय किया। आपके और जो भाई थे नाभाग जी के, वो सब समय से शिक्षा पूरी करके और घर लौट आए। नाभाग जी का मन ज्यादा लग गया। दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वो अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करते हुए सांग वेद को का अध्ययन करते रहे। और जब लौट के आए घर, तब तक भाइयों का विवाह हो गया और भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया, पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया। तो नाभाग जी ने अपने भाइयों से पूछा कि तो ठीक है, आपने समावर्तन संस्कार कराया, आपका विवाह हो गया, कोई बात नहीं, हम छोटे हैं, हम ही बच्चे थे, तो हमारे हिस्से में भी कुछ है कि नहीं? तो बड़े भाइयों ने कहा, तुम्हारे हिस्से में ये वृद्ध पिता माता हैं, क्योंकि ये हम लोगों के किसी काम के नहीं, सेवा करो इनकी। वर्तमान परिस्थिति में किसी के साथ ऐसा हो, भाई सब बंटवारा कर लें और अपने एक भाई को कह दें कि तुम्हारे हिस्से में पिता माता हैं, तो वह स्वीकार करेगा, झगड़ा होगा। लेकिन शास्त्र ज्ञान का फल यही है, विवेक उत्पन्न हो जाना। विद्या ने यदि विवेक जागृत नहीं किया तो हमारा विद्या का श्रम व्यर्थ हो गया। नाभाग जी बड़े विवेकी थे। उन्होंने कहा, वाह, आप सब बड़े भाइयों ने मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा की है, मुझे सर्वोच्च संपत्ति प्रदान की है, संतान के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, शिष्य के लिए गुरु सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं, आपने सबसे बड़ी संपत्ति कृपा पूर्वक हमें प्रदान की है। जाकर पिता माता को प्रणाम किया नाभाग जी ने और कहा, पिताजी आप हमारे हिस्से में आए हैं, अब हमारे कोई जमीन जायदाद तो है नहीं, घर द्वार तो कुछ है नहीं, तो शरीव जी के किनारे उपवन में एक पर्ण कुटी बना ली, वेद लक्षणा गाय रख ली और कहा कि जैसे हम रहेंगे वैसे आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे यहां चलिए। उस काल में तपोवन में रहने की अनुमति किसी राजा से प्राप्त करनी अनिवार्य नहीं होती थी, क्योंकि तपोवन ऋषि मुनि महात्माओं के लिए ही होता था और वन बंधुओं को अलग से प्रशिक्षित सुशिक्षित करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि एक एक वन्य प्रदेश में जब ऋषि मुनि महात्मा विराजते थे, उन्हीं के दर्शन से, उनके संपर्क से, उनके समागम से उनके संस्कार सुरक्षित रहते थे और उन्हें वह कुछ प्राप्त हो जाता था जो बड़े बड़े नगरों में रहने वाले लोगों को प्राप्त नहीं होता था, वो हमारे वन बंधुओं को प्राप्त होता था, क्योंकि वन के वास्तविक बंधु वन बंधु हैं
और वन बंधुओं के बंधु ये ऋषि मुनि महात्मा हैं जो तपोवनों में रह करके तप किया करते थे। नाभाग जी के पिता नभग जी उनके यहां रहने लगे। एक पवित्र क्षत्रिय कन्या से नाभाग जी का विवाह भी हो गया, लेकिन वे धनहीन थे, उनके पास भौतिक संपत्ति का सर्वथा अभाव था। फिर भी उनके मन में कभी अभाव का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति स्वभाव से ही परिपूर्ण भगवान में प्रतिष्ठित थी, धर्म में प्रतिष्ठित थी। इसलिए वे आत्मराम, आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम थे। उनके मन में धन की कोई कामना नहीं थी, अभाव का अनुभव ही उनको नहीं था। पर पिताजी को चिंता रहती थी कि और तो सब भाइयों ने बेईमानी की इसके साथ, ये सीधा साधा, इसके पास कुछ नहीं है, मैं भी इसको कुछ नहीं दे पाया। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा तुम वेदों के अप्रतिम विद्वान हो, इस समय हिमालय में, उत्तराखंड में अंगिरा गोत्र के ऋषि ब्राह्मण सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से यज्ञ कर रहे हैं पर सदेह स्वर्ग नहीं जा सके। हमारे यहां इस प्रकार के भी अनुष्ठान, इसका मतलब है कि आप सशरीर स्वर्ग आदि लोकों में जा सकते हैं, मरने की जरूरत नहीं। सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छठे दिन की जो विधि है उसमें उनको उनकी भूलवश व्यतिक्रम हो जाता है, स्वर का विपर्यय हो जाता है, और स्वर के विपर्यय से फल में विपर्यय हो जाता है। तुम उनको छठे दिन के मंत्रों का ज्ञान कराओ तो उनका प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा, और उनके यज्ञ में बहुत संपत्ति है, सब स्वर्ण पात्र हैं यज्ञ के, स्वर्ण मंडप है, स्वर्ण पात्र है, खूब संपत्ति है उनकी यज्ञशाला में। वो तो चले जाएंगे स्वर्ग और सारे यज्ञ की बची हुई संपत्ति वे तुमको दे देंगे, तुम भी धनवान हो जाओगे। यद्यपि नाभाग जी के मन में धनवान होने की कोई कामना नहीं थी, पर वे पितृभक्त थे, पिताजी के भक्त थे, बोले जो आज्ञा पिताजी। और वे उत्तराखंड पहुंचे, ब्राह्मणों को मंत्र बताए, ब्राह्मण सदेह स्वर्ग चले गए और प्रसन्न होकर सारा धन नाभाग जी को दे गए। नाभाग जी वो सब संपत्ति बटोर रहे थे, इकट्ठी कर रहे थे, उसी समय एक महापुरुष पधारे जो नील लोहित वर्ण के थे, हाथ में त्रिशूल लिए हुए थे, और उन्होंने कहा, अरे तुम कौन हो, यह मेरी संपत्ति है, इस पर तुम अपना अधिकार कैसे जता रहे हो, इसको कहां ले जाओगे, क्यों इसको इकट्ठा कर रहे हो, बटोर रहे हो। नाभाग जी बोले, भगवान मुझे तो ब्राह्मणों ने आज्ञा दी है कि ये बची हुई संपत्ति तुम्हारी तुम ले लेना, सारी बात बताई, आप कह रहे हैं तो हमको कोई इतराज नहीं, आप ले लो, आपकी है तो आप ले लो। बोले नहीं, तुम्हें पता नहीं है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, एक कानूनी व्यवस्था के अनुसार इस पर हमारा अधिकार है, और जाओ अपने पिताजी से पूछ के आओ। नाभाग जी बोले, हमने तो आपकी बात मान ली, हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं, पिताजी से पूछ के आओ। कहा जो आ गया, तो फिर उत्तराखंड से पैदल चलकर अयोध्या आए और शरीव जी के उपवन में जहां पिताजी आश्रम में निवास करते थे, पिताजी आपकी आज्ञा से हम गए तो थे, लेकिन वहां ये घटना घटी। अरे बेटा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, वे नील लोहित पुरुष कोई सामान्य महापुरुष नहीं,
वे तो साक्षात देवाधिदेव भगवान शिव थे। भगवान शिव हैं वो। जब दक्ष ने श्राप दिया था कि हम शिव जी को यज्ञ भाग से बहिष्कृत करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी ने ये मर्यादा स्थापित की थी कि यज्ञ में बचा हुआ जो अंश होगा वो रुद्र का होगा। एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छुष्टो ध्वरस्य वै। यज्ञ का बचा हुआ जो अंश होगा वो रुद्र का होगा, ये व्यवस्था दी थी। बिल्कुल ठीक, यज्ञ से बची हुई संपत्ति शिव जी की है, उनको प्रणाम करना और उनको कहना महाराज हमसे भूल हो गई, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, यह तो वस्तुतः आपका ही है, आप ही ले जाओ, हमारे ऊपर तो प्रसन्न हो जाओ, आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। जो आज्ञा पे फिर गए, जाकर उन्होंने फिर प्रणाम किया और सारी बात निवेदन कर दी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बोले देखो तुम क्षत्रिय हो, देव द्रव्य ग्रहण करने का, यज्ञीय द्रव्य ग्रहण करने का अधिकार ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को नहीं है, मैंने इसे स्वीकार कर लिया और अब हम प्रसाद रूप में तुमको दे रहे हैं, यह संपत्ति तुम्हारे यहां अक्षय होकर के रहेगी और तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है वे तो जैसे के तैसे ही रहे आएंगे, अन्यायी व्यक्ति की उन्नति कभी नहीं होती है, और तुम्हारा पुत्र महाभागवत परम भागवत होगा, भगवान का महान भक्त होगा, अम्बरीश उसका नाम होगा, वह सप्तदीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा, अयोध्या नरेश सारी धरती का साम्राज्य उसके हाथ में होगा और वो भगवान का महान भक्त होगा। भगवान शंकर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, दानी को शंकर सम नाही, शंकर जी के जैसा कोई देने वाला नहीं है। तो रुद्र भाग, ये रुद्र का भाग है, भगवान शंकर आशुतोष हैं, अवधर दानी है, देते हैं तो फिर संकोच नहीं है इनके खाते में, खूब उदारता पूर्वक देते हैं। अब देखिए ये जितने वरदान दिए शंकर जी ने अपनी ओर से दिए, नाभाग जी ने मांगा नहीं कुछ भी, अपनी ओर से शंकर जी ने सब कुछ दे दिया। इन्हीं के पुत्र महाभागवत अम्बरीश हुए, दुर्वासा जी का क्रोध भी जिनका कुछ न बिगाड़ सका, ऐसे महाभागवत परम भागवत श्री अम्बरीश जी हुए।